जो ये लिखा है वो है हेलन केलर। हेलन केलर जो है एक ऐसा नाम है जो और अंधकार के बीच भी प्रकाश देता है। कल्पना करो कि जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, फिर भी वो पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षाओं के बीच उन्होंने अपना योगदान किया है। हेलन केलर जब 1.5 साल की थी तब गंभीर बीमारी के कारण उसके बोलने सुनने और चलने की शक्ति जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो स्टूडेंट, इस पाठ में हमें यही देखना है कि अपने पास कुछ भी न होते हुए भी उन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है, जो देख कर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हेलन केलर जो है वो अपने मित्रों की परीक्षा कभी कभी लेती है कि उनमें देखने परखने की शक्ति है या नहीं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा आपने क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदि हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आदि होती है वे बहुत कम देखते हैं। यहाँ पे निकिता के कहने का तात्पर्य है कि जिनके पास आंखें हैं, अब जंगल में सैर करने के लिए गई है तो जंगल में कितनी भी वनस्पतियां देखी होगी, सुहावना मौसम देखा होगा, पर इनकी सहेली ने, इनके दोस्त ने ऐसा जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। तो इसलिए लेखिका कहती है कि मैं अब ऐसे उत्तरों से आगे हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिनके पास आंखें है, मतलब जिनके पास आंखें है जो देख सकते हैं, अक्षर कुछ नहीं देखते। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई भी कोई विशेष चीज न देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है। लेखिका बता रही है कि उन्होंने तो उनके पास तो आंखें नहीं है, फिर भी उन्हें सैकड़ों चीजें दिखाई देती है। तो क्या आपको जिनके पास आंखें है उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया होगा। जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ, मैं भोज पत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। चीड़ जो पेड़ है, इनकी चिकनी छाल और चीड़ जो है वो भी पेड़ है, तो उनकी खुरदरी छाल को लेखिका स्पर्श करते ही पहचान लेती है। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह यानी उपला भाग जो है वो छूने और घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। लेखिका बता रही है कि वसंत के मौसम में उन्होंने कोई भी फूल छूले तो उन्हें पता चल जाता है कि ये कौन सा फूल है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। वसंत के दौरान लेखिका को प्रकृति का जो जादू का असर दिखाई देता है वो शायद जिनके पास आंखें हैं वो नहीं कर पाते। कभी जब मैं खूब नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहुत हुए महसूस करे में आनंदित होती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का क्षमा
करता है। कभी कभी तो लेखिका को इन सब चीजों को देखने के लिए मचल होती है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुक्त ही हो जाएगा। लेखिका बता रहे हैं कि सिर्फ छूने से इन सब चीजों को छूने से मुझे आनंद मिलता है तो देखकर तो मैं मुक्त ही हो जाऊंगी, ऐसा बता रहे हैं। सचमुच कम देखते हैं। लेखिका ये भी कह रहे हैं कि जिनके पास आंखें हैं वो शायद बहुत कम देख रहे हैं, मतलब कि जिनके पास आंखें हैं वो अपने आसपास का अवलोकन नहीं करते हैं, सिर्फ देखने के लिए देखते हैं। उसको छूने से, उसका महसूस करने से क्या अनुभव होता है वो समझते नहीं है। और लेखिका के पास आंखें नहीं है और छूने से महसूस करते हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मनुष्य जो है इस दुनिया में अलग अलग रंग और संवेदनाओं को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। भगवान ने मनुष्य को आपके हाथ पे जो भी दिया है उनकी कदर नहीं करता। हमेशा वह उन चीजों के लिए आस लगाए रहता है जो उनके पास नहीं है। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामक से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष से रंग से भरा भरा दिया जाता है। अब लेखिका बता रही है कि एक इतने दुख की बात है कि लोग जो है इस दृष्टि को आशीर्वाद, एक ये जो आशीर्वाद भगवान ने हमें दिया है वह एक सिर्फ साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि नियामक से जिंदगी को खुशियों की इंद्रधनुष रंगों से भरा भरा किया जाता है। है कुछ खास तो नहीं, अब
से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा